नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक रिमोट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 6 वोल्ट रिले और एक D3NK8 मॉस्फेट। उसके बाद इस मॉस्फेट का ड्रेन पिन हम रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 47 nF कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस मॉस्फेट के गेट पिन के साथ और रिले के इस पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.2K रजिस्टर और एक फोटोडायोड। उसके बाद इस रजिस्टर को हम रिले के इस पिन के साथ और इस फोटोडायोड के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस फोटोडायोड का पॉजिटिव पिन हम इस मॉस्फेट के गेट पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक 2.2K रजिस्टर और एक फोटोडायोड। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस मॉस्फेट के सोर्स पिन के साथ और इस फोटोडायोड के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। उसके बाद इस फोटोडायोड का नेगेटिव पिन हम इस मॉस्फेट के गेट पिन के साथ ऐसे सोडा कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सर्किट को अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।